हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग की कुछ इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल टिप्स शेयर करने वाला हूं, जिसे कि वीडियो के अंत में आप ये पता लगा सको कि इंग्लिश सीखना वाकई में बहुत ही आसान है, बस आपको उसे सिर्फ सही तरीके से सीखने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स। दोस्तों, इंग्लिश सीखने में हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम हमेशा इंग्लिश ग्रामर सीखने के पीछे पड़े रहते हैं। जब से हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तब से लेकर 12th तक हम ग्रामर रूल के पीछे ही पड़े रहते हैं, और न जाने किसी ने हमारे दिमाग में ये कीड़ा बिठा दिया है कि ग्रामर सीखे बिना तो हमें इंग्लिश बोलना आ ही नहीं सकता। इसी वजह से दोस्तों, अगर आप किसी कोचिंग क्लास को भी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर भी वही ग्रामर रूल आपका भेजा फ्राई करता है, एंड फाइनली ये सब टॉर्चर देखकर आप इंग्लिश सीखना ही बंद कर देते हो। मगर दोस्तों, ये सच्चाई नहीं है। शुरुआत में ग्रामर पे फोकस करना इतना जरूरी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूँ। चलिए इसे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। दोस्तों, जब कोई बच्चा पैदा होता है हमारे इंडिया में, तो तब वो कोई भाषा बोलना नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे वो अपने मम्मी पापा को देखकर उन्हें कॉपी करने लगता है और अपने मम्मी पापा की भाषा को सुनता है, और धीरे धीरे कॉपी करते करते वो स्कूल जाने से पहले ही हिंदी बोलना सीख जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, क्या उस बच्चे ने कोई ग्रामर रूल को फॉलो किया या और कोई डिफिकल्ट रूल को फॉलो किया? नहीं ना दोस्तों। ठीक उस बच्चे की तरह हम सब ने भी अपनी मदर लैंग्वेज को इसी तरह से बोलना सीखा है। तो दोस्तों, यही सेम चीज इंग्लिश में भी 100% अप्लाई होती है। सो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम डोंट थिंक अबाउट द ग्रामर। पहले एक बार आप इंग्लिश को अच्छे से समझ लो, थोड़ा बोलना सीख जाओ, उसके बाद ग्रामर सीखोगे तो आपको वो बेनिफिट करेगा और आपको समझ में भी आएगा। मगर शुरुआत में ग्रामर सीखने की बेवकूफी कभी मत करना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगली ट्रिक को जानते हैं। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी गलती हम इंग्लिश बोलने में ये करते हैं कि हम किसी के भी साथ इंग्लिश में बात करने से पहले अपने मन में सेंटेंसेस को हिंदी तो इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और उसे ठीक तरह से एक परफेक्ट इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं और फिर हम बोलते हैं। इसी वजह से दोस्तों, आप रुक रुक कर और डर डर के बोलते हो, यानी कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने ऑफिस में बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। अब आपके बॉस ने आपसे ये पूछ लिया कि ओ वाओ मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी दिस वंडरफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोजेक्ट। बस इतना सुनते ही हमारे दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। अब हम क्या करते हैं कि हम पहले तो बॉस ने जो कहा वो हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसका जवाब सोचते हैं और वो भी हिंदी में, फिर उस जवाब को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और तब तक तो हमारी रेपुटेशन का कचरा हो चुका होता है। इसीलिए दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट हमें ये सलाह देते हैं कि हमें मन में हिंदी की बजाय इंग्लिश में सोचना शुरू करना होगा, जिसकी वजह से हिंदी तो इंग्लिश ट्रांसलेशन का फिल्टर हट जाएगा, जिसकी वजह से हम जल्दी और अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। हाँ, इस आदत को अपनाने में आपका दिमाग समय जरूर लेगा, लेकिन यही एक सटीक उपाय है दोस्तों। अगर आप इस आदत को डेली प्रैक्टिस करते हो तो कुछ दिन के बाद ही आप ये महसूस करोगे कि आप अब हिंदी की तरह इंग्लिश में भी ऑटोमेटिकली सोच सकते हो। चलिए इसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ दोस्तों। जब कोई इंसान पहली बार ड्राइविंग करना सीखता है तो शुरू शुरू में उसे काफी ध्यान देना पड़ता है, हर वक्त अपने आप को अवेयर रखना पड़ता है। मगर जैसे जैसे वो डेली प्रैक्टिस करता है, वैसे वैसे एक समय आने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से ड्राइविंग भी ना होने के बाद भी वो बड़े ही आसानी से ड्राइविंग कर लेता है, क्योंकि उसके दिमाग ने अब उस कॉन्शियस एक्शन को ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करना सीख लिया है दोस्तों। ठीक इसी तरह अगर आप इंग्लिश में ही सोचना स्टार्ट करोगे तो आपके दिमाग को भी इंग्लिश में सोचने की आदत हो जाएगी, और एक समय आने के बाद बिना कोई ज्यादा मेहनत के आप भी इजीली फराटेदार इंग्लिश में जवाब दे सकोगे। चलिए दोस्तों, अगली ट्रिक को जानते हैं। दोस्तों, अब आपको पता चल गया है कि हमें इंग्लिश में ही सोचना है, मगर अब सोचने के लिए और समझने के लिए हमारे पास वर्ड्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये बोलना है कि मुझे खेलने जाना है, मगर अब आपको पता ही नहीं है कि खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसीलिए हमें वोकैबुलरी सीखनी बहुत ही जरूरी है।
ताकि आपको इंग्लिश में नए शब्द की जानकारी मिले और आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख पाओ। मगर दोस्तों, वोकैबुलरी सीखने में भी हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम बस हर रोज 5 से 6 इंग्लिश के वर्ड्स रट लेते हैं, रट्टू टोटे की तरह। इसी वजह से हम कभी भी उस वर्ड्स का प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, यानी कि प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट हमें ये कहते हैं कि वर्ड्स को रटने के बजाय उसे प्रैक्टिकली कहाँ पे और किस तरह से इस्तेमाल किया जाए वो हमें सीखना चाहिए, यानी कि अपनी डेली लाइफ में उसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने से ही आपको स्पोकन इंग्लिश में मास्टरी हासिल हो सकती है। नहीं तो रटे हुए वर्ड्स तो आप सिर्फ 2 दिन में ही भूल जाओगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगली ट्रिक को जानते हैं। दोस्तों, इंग्लिश सीखने से पहले आपको ये क्लियर होना बहुत ही जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली ये स्किल किस लिए सीखनी है और कितनी सीखनी है, क्योंकि इंग्लिश में सीखने के लिए हजारों चीजें हैं और उन सारे टॉपिक्स के नाम देखकर ही आपको बोरिंग फील होना स्टार्ट हो जाएगा। मगर आपका टारगेट क्लियर होगा कि भाई मुझे बस 15 दिन में नॉर्मली बात कर सकूं, इतनी इंग्लिश तो सीखनी है, तो आप इजीली यूट्यूब से या किसी एंड्रॉइड ऐप से भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। इससे क्या होगा कि 15 दिन के बाद आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाएगा। आपको यकीन हो जाएगा कि अगर मैं इतनी इंग्लिश बोल सकता हूँ तो अब मैं थोड़ी और मेहनत करके इसे और ज्यादा बेटर इंग्लिश भी सीख सकता हूँ। मगर हम क्या गलती करते हैं दोस्तों कि हम एक साथ ही बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से हम डायरेक्शन लेस मेहनत करने लगते हैं एंड एंड ऑफ द डे हम इंग्लिश सीख नहीं पाते। चलिए दोस्तों, अगली ट्रिक को जानते हैं। दोस्तों, अब क्लियर गोल के बाद अगर आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। दोस्तों, एक मजेदार बात आपको बताता हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा कि आपने कभी गाली बोलना कहाँ से सीखा है? क्योंकि ना तो गालियाँ आपको स्कूल में किताबों से पढ़ाई गई है, ना तो आपने कोई कोचिंग लगाकर गालियाँ सीखी है। मगर फिर भी दोस्तों, गाली जैसी बेकार चीजें आप अच्छी तरह से बोल सकते हो और इंग्लिश जैसी इम्पोर्टेंट चीज आपको अभी तक सीखने में नहीं आई। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों, आप अभी तक इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते ही नहीं हो। आप गालियों को तुरंत ही किसी और को कॉपी करके बोल देते हो, मगर आप इंग्लिश में ये रूल अप्लाई ही नहीं करते। इसी वजह से दोस्तों, आपको अभी तक इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है कि आप प्रैक्टिकली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली बोलना स्टार्ट करोगे तभी आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन से वर्ड बोलने में प्रॉब्लम्स हो रही है, आपका प्रोनंसिएशन किस तरह का है। और जब आप प्रैक्टिकली इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे तभी आपको ये पता चलेगा कि आपको इंग्लिश में किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे तब आपको ये रियलाइज होगा कि आपको कौन कौन से वर्ड्स नहीं आते, किस तरह से सेंटेंस को क्रिएट करते हैं और जो कुछ भी आपने इंग्लिश में सीखा है उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं। मगर दोस्तों, मुझे पता है कि आप सब लोग बोलने से और प्रैक्टिस करने से हिचकिचाते हो, आप गलतियां करने से डरते हो, आप ये सोच के डरते हो कि कहीं कोई लोग आपका मजाक ना उड़ा दे। मगर दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आज आपने अपने आप को बेहतर नहीं किया तो आपको जिंदगी भर एक ऑर्डिनरी और दुखी जिंदगी ही मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये सब बहाने छोड़िए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक बम्बल बी यानी कि भंवरा कभी भी उड़ नहीं सकता? ये बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी मगर ये सच है दोस्तों। साइंटिस्ट के मुताबिक भंवरे की बॉडी बहुत ही वजनदार होती है और उसके कंपेयर में उसके पंख बहुत ही छोटे और नाजुक होते हैं। इसी वजह से साइंस के मुताबिक वो कभी उड़ नहीं सकता, मगर ये बात भंवरे को नहीं पता दोस्तों। इसी वजह से वो पैदा होते ही उड़ने की कोशिश करता है और 1000 बार गिरता है। मगर दोस्तों, भंवरा जिद्दी होता है, 1000 बार गिरने के बाद भी वो उड़ने की कोशिश करना नहीं छोड़ता और उसकी उड़ने की जिद की वजह से ही वो एक दिन उड़ने में कामयाब हो पाता है। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह हमारे दिमाग में भी लिमिटेशन और प्रॉब्लम्स के झूठे बिलीव्स ये दुनिया वालों ने भर दिए है। इसी वजह से हम एक अपाहिज की तरह जिंदगी जीते हैं। मगर जो इंसान इन सारे झूठे बिलीव्स को छोड़कर उस भंवरे की तरह
छोटे पंखों के साथ भी उड़ने की कोशिश करता है, उसे एक दिन सफलता जरूर मिलती है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप भी इंग्लिश सीखने के सिर्फ 10% ही मेहनत करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप श्योरली बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। और यही इस वीडियो में आकर मुझे ये कमेंट करके बताओगे कि भाई मैंने इंग्लिश बोलना सीख लिया है। तो दोस्तों एक ओपन चैलेंज है आप सबके लिए कि अब आप कितने दिन में एक ठीक ठाक बेसिक इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो वो मुझे हैशटैग मेरा गोल लिखकर अपना टारगेट जरूर बताइए। फॉर एग्जाम्पल हैशटैग मेरा गोल है 15 दिन में बेसिक इंग्लिश सीखना। और दोस्तों जब आपका ये गोल पूरा हो जाए तो आप मुझे अपनी एक इंग्लिश स्पीकिंग वाली मजेदार वीडियो सेंड कीजिए नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे और हम उसे अपने सारे सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे ताकि पूरे इंडिया में सबको ये पता चले कि भाई हिंदी मीडियम वाले भी यूट्यूब की मदद से बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपका ये एक वीडियो हजारों इंडियंस के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगा, एक होप पैदा करेगा। तो दोस्तों जमकर मेहनत कीजिए और एक मजेदार वीडियो बनाकर मुझे सेंड कीजिए क्योंकि अब आप लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाले हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आग की तरह सभी जगह पे फैला दो ताकि हर एक इंसान आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सके। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दीजिए ताकि आने वाली नई जबरदस्त वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।